हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से कैसे बच्चे लोग का पैन कार्ड बनाया जाता है। 1 साल से लेकर 18 साल के बीच के माइनर पैन कार्ड को कैसे सीएससी के माध्यम से अप्लाई किया जाता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट से देखें तभी आप लोग की पूरी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे माइनर पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है सीएससी के माध्यम से। दोस्तों अपना सीएससी आईडी खोल लीजिए और सर्च में लिखिए पेन ईकेवाईसी। पेन ईकेवाईसी पर क्लिक कर दीजिए, फिर क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई न्यू पेन पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ओपन होके आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट स्टेटस एप्लीकेशन में इंडिविजुअल कर दीजिएगा, डिफेंस NRI कैटेगरी में नो कीजिएगा। बोथ फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। ओके पर क्लिक कर दीजिए, रेफरेंस नंबर है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। सी पर क्लिक कर दीजिए, कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखिएगा, फिर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखिएगा, यदि आप और किसी नाम से जानते होंगे तो यस कीजिएगा, फिर यार नो कीजिएगा। यदि आपका ओरिजिनल नेम जो आपके आधार कार्ड पर है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा। बच्चे का पैन कार्ड बना रहे हैं, ये माइनर केस के ऊपर लिखेगा, रेसिडेंट पर क्लिक कीजिएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस में रेसिडेंट स्टेट पर अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। आप जो स्टेट से होंगे, हम झारखंड से हैं। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोग आधार नंबर अपना डालना है, फिर से एक बार आपको री इंटर आधार नंबर डालना है, दोबारा आप लोग का आधार नंबर डालना है इसमें। ओके पर क्लिक कर दीजिए, जो आपके आधार कार्ड पर नेम होगा सेम वही नेम आपको यहाँ पर लिखना है।
चेक कर लेना है कहीं गलती फील नहीं हुआ है। आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, आप जेंडर है या मेल है या फीमेल है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा तीनों कॉलम में। फिर मैक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। आपके सीएससी वॉलेट से आपको पेमेंट करना है 97 रुपीज़ का। आपको अपना सीएससी वॉलेट का पासवर्ड और वॉलेट पिन डाल देना है। फिर वॉलेट पर क्लिक करना है, फिर वॉलेट पिन डालिए अपना। पे पर क्लिक कर दीजिए। आपके सीसी वॉलेट से 97 रुपया कट जाएगा। आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा, अपने सीसी वॉलेट में पैसा जरूर ऐड कर लीजिएगा। रेफरेंस नंबर आप कॉपी करके कहीं या कहीं पर लिख कर रख लीजिए। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी, या फिर कैंडिडेट के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जिसे ई पेन का आपके ईमेल आईडी पर आएगा, फिर आपको कस्टमर को उसको निकाल के देना होगा। यदि कैंडिडेट के पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल लीजिए, नहीं है तो फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। पैन कार्ड पर आपको मदर का नेम चाहिए तो नो पर नहीं क्लिक करना है। यदि फादर का नेम चाहिए तो आपको नो पर क्लिक करना है। हमें पैन कार्ड पर फादर का नेम चाहिए तो नो पर क्लिक कर दे रहे हैं। इसमें आप अपना फादर का लास्ट नेम लिख लीजिएगा। फिर आपको फर्स्ट नेम डालना है अपने फादर का। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं। मदर नेम ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आप फादर नेम पर क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है, आपका आपके फ्लैट नंबर है, ब्लॉक नंबर है, डोर नंबर है, तीनों में से किसी एक को भी डाल सकते हैं। अपना विलेज डालिएगा, अपना गांव, अपना पोस्ट ऑफिस डालिएगा। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिला। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। नीचे आपको ऑफिस एड्रेस में छोड़ देना है,
बच्चा है तो नो इनकम पर क्लिक कर दीजिएगा। चेक कर लेना एक बार कि कहीं गलत तो नहीं है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग अपना एओ कोड, एरिया रेंज और एओ नंबर आप चेक कर लीजिए। ये सभी ऑटोमेटिक आपको ड्यूप्लिकेट करता है और आपको एओ कोड और एरिया रेंज कोड, एरिया कोड यदि सही है तो उसको छोड़ दीजिए, यदि गलत है तो आप फिलअप कर लीजिए अपना। फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव एसिस एड्रेस डिटेल में आपको फादर का नेम डालना है और फादर का एड्रेस डालना है। आपको डॉक्यूमेंट में फादर का आधार कार्ड नहीं लगाना है, न फादर का आपको फॉर्म पर सिग्नेचर कराना है। जो कैंडिडेट है उसी को आधार कार्ड लगाना है और उसी को सिग्नेचर करना है। बस रिप्रेजेंटेटिव में कैंडिडेट का फादर का एड्रेस और उसका नाम डाल देना है और आपको नीचे हिम सेल्फ हर सेल्फ पर क्लिक कर देना है। आपको वेरिफिकेशन प्लेस में अपना गांव का नाम या अपना सिटी का नाम डाल सकते हैं। फिर एक बार आप ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लीजिए, कहीं गलत है तो आप उसको सुधार सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। आपको ये चीज़ कुछ नहीं करना है, इसको सेम छोड़ देना है। फिर आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई हो दोस्तों इस तरीके से पैन कार्ड, माइनर पैन कार्ड या बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है। फिर आपको इसको रिसीविंग अपने कस्टमर को दे देना है। फिर आपको पीडीएफ पर क्लिक करके पैन कार्ड अप्लाई फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।